आज के दिन तो बहुत डिमांड रहने वाली है, पता नहीं मिलेंगी भी या नहीं। बुला के लेके आते हैं भाई साहब। अभी दिन भी नहीं निकला, सुबह सुबह ही सब जा चुकी। मम्मी नहीं है, चली गई, पता नहीं उनके जा रहे हैं। खाई भी छाऊंगे उनके जा रहे हैं, खाई भी छाऊंगे। एक तो पहला हुआ है, साढ़े पाँच भी नहीं हुए, साढ़े पाँच और। ये हो गई सबकी थाली रेडी, और केशव ने कर लिया इंस्पेक्शन कि वह सब में सब है। अब देते हैं कंजकों को स्माइल। तो गाइस कंजक हमने जिमा दी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग। आज है अष्टमी यानी आठवां नवरात्रा, तो कढ़ाई करी थी हमने, तो उसी में जो कंजके जाती हैं जिम आते हैं हम उन्हीं की बहुत डिमांड रहती है। भाई आज तो उनका ही दिन है, हर जगह मतलब सुबह 5 बजे लग गए थे वो, 5:15 बजे हम बुलाने गए थे तो मिल ही नहीं रही थी, तो बाहर खड़े रहना पड़ा था। फिर मम्मी बाहर खड़ी रही थी, फिर आई थी, फिर हमने अच्छे से जिमा दिया। वो आगे जा चुकी है दूसरे घरों में। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक प्लेट है, ये है पुगू की, पुगू शर्मा। केशव क्या कर रहा है भाई? केशव तो प्रसाद खा रहा है, केशव खाली प्रसाद। तो गाइस अब चलते हैं सुशील भैया की शादी में। कल हम गए थे भाती बन के, आज हम जा रहे हैं बराती बन के। जीन में ही बारात आ रही है उनकी, तो फिर अभी हम वहां पे जाएंगे। तो हो गई है भैया की, अब हम घर जाते हैं। घर चलते हैं, रास्ते में रानी तालाब पड़ेगा तो रानी तालाब पे रुकते हैं। तो गाइस ये है रानी तालाब, यहाँ पर हम बहुत बार आते हैं और मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में आपने रानी तालाब को देखा ही होगा, लेकिन आज इसको दिखाएंगे ऊपर से यानी ड्रोन शॉट से। मैंने भी कभी नहीं देखा, आप सबको दिखाते हैं। यहाँ से उड़ाते हैं और ड्रोन शॉट्स लेते हैं रानी तालाब के। ये हमारा रिमोट कंट्रोल और ये हमारा ड्रोन, अभी उड़ाते हैं। शॉर्ट्स पसंद आए होंगे। अब बस रानी तालाब को बोलते हैं अलविदा और अब घर पे चलते हैं। तो गाइस घर पहुंच गया हूं और घर पहुंच के देखा केशव तो हलवा चने खा रहा है। आज हमने कढ़ाई की थी ना सुबह सुबह, तो तब बने थे हलवा चने। ओके तो एडिटिंग है बीच में, पापा देख रहे हैं मैच और चाहिए कितने रन। तो जीत के लिए चाहिए 9 रन और विराट कोहली को चाहिए सिर्फ 8 रन सेंचुरी के लिए। तो भाई इस बार भी विराट कोहली की सेंचुरी जरूर लगेगी। लगेगी ना भाई पापा? लगेगी, बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल। देखते रहो अभी लग जाएगी। अरे वाइट फेंक दी, ये तो इनजस्टिस है, जानबूझ के वाइट। कितनी एक्टिंग कर रहे हो पापा?
गलत बात है। हाँ गलत है, पिछली बार भी ना क्या हुआ था, बस दो रन चाहिए थे भारत को और एक वाइड फेंक दी थी, तो दूसरी वाइड ना जाए विराट ने छक्का ही मार दिया था। इस बार देखते हैं, विराट कोहली को चाहिए 8 रन और 8 रन ही जीत के लिए चाहिए। दो चौके मार सकते हैं, वाइड ना ही फेंके तो अच्छा है, लगे दो रन ले लेंगे, सिंगल एक ही सिंगल लेंगे, सिंगल ठीक है, सिंगल लेंगे जीत जाएगा आराम से। देखते हैं कोहली की सेंचुरी होती है या नहीं, जीतने में तो कोई डाउट है ही नहीं, कोहली की सेंचुरी का है। क्या तेज भागे हैं, अब सिर्फ 5 रन चाहिए भाई, 5 रन चाहिए शतक के लिए भी और जीत के लिए भी। छक्का 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 मार दे, नहीं लेगा, नहीं लिया। दो तो ले सकते थे अब, ना दो नहीं कंप्लीट करते, अरे आउट हो यार। चलो कोई बात नहीं, इतना जल्दबाजी कर गया, कोहली आउट हो गया, कैच हो गया, कोई नहीं, सेंचुरी नहीं बनी पर इंडिया तो फिर भी जीत ही जाएगा। 5-6 रन चाहिए अब, वैसे शतक होता तो अच्छा लगता और खुशी होती, पर कोई नहीं, वेल प्लेड। चौका रोक लिया, गया। जीत गए हम, जीत गए हैं ये, पर विराट की सेंचुरी होती और अच्छा लगता। न्यूजीलैंड से अब आगे हो गए हैं, 5 मैच लगातार 5 मैच जीत लिए, इस बार तो वर्ल्ड कप हम लेके जाएंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं भी अपना ब्लॉग खत्म करता हूँ। अब आपको आज वाला ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलो अब तो पापा ने भी बोल दिया गाइस, अब तो कर दो, और देखते नहीं यार आजकल लोग देखा करो तो। चलो ठीक है गाइस, आप नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मैं व्लॉग खत्म करके एडिट करता हूँ, गुड नाइट।